हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो, और कैसा है भाई? बहुत दिनों बाद याद किया। तुझे तो हमारी याद आती ही नहीं, बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना, भूल गया तुझे बताया था नवंबर में शादी है मेरी, बस उसी का इन्विटेशन देने के लिए फोन किया। आई एम सो सॉरी यार, मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, 10 दिन बाद मेरी शादी है तो तू भाभी को लेकर पुणे आ जा, होटल की बुकिंग कर दी है मैंने। चल ठीक है, मिलते हैं तेरी शादी में, मुझे होटल की डिटेल सेंड कर देना। नूपुर, तुम पैकिंग स्टार्ट कर लो, कल हमें पुणे के लिए निकलना है। तुम्हें बताया था ना, मेरा दोस्त है रोहन, उसकी शादी है। शादी के लिए नूपुर ने पैकिंग स्टार्ट की और अगले दिन वो दोनों रोहन की शादी के लिए अपने घर से पुणे की ओर निकल गए। शाम का वक्त हो चला था, सूरज भी अब अपनी रोशनी समेटता हुआ काले आसमान के पीछे छिप गया था। खाली रास्ते के सन्नाटे को चीरते हुए नीलेश फुल स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी उसके फोन पर रिंग हुई। उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर रोहन का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो, मुझे पता है तूने यही पूछने के लिए कॉल किया है कि हम कब तक आएंगे, तू बस आधा घंटा वेट कर, हम पुणे पहुंचने ही वाले हैं। यार बात दरअसल ये नहीं, कुछ और है। जिस होटल में मैंने सब मेहमानों के रुकने का इंतजाम किया था, अचानक वहां आग लग गई और होटल को सील कर दिया है। अरे यार ये क्या हो गया, अब इतनी रात को हम दोनों कहाँ जाएंगे? यहाँ आसपास कोई और होटल भी नहीं है। तुझे होटल की क्या जरूरत है, तेरा पुराना घर तो यहाँ है ना, तू मेरी शादी तक उसी घर में रुक जा। नहीं, मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, तेरी शादी वाले दिन वापस आ जाऊंगा, उस घर में नहीं जाना मुझे। इतना कहकर नीलेश ने फोन रख दिया। वो बहुत घबराया हुआ था, सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग रहा था। क्या हुआ तुम्हें, इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं, हम वापस घर जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दोपहर से ड्राइव करते हुए हम अब यहाँ पहुँचे हैं, अब दोबारा ड्राइव करके घर तक जाओगे तो सुबह हो जाएगी। तुम्हारा पुराना घर है ना यहाँ, वहाँ चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? नूपुर की बात का कोई जवाब ना देते हुए नीलेश ने अगले ही कट से यू टर्न ले लिया और तेज स्पीड में रास्ते को चीरते हुए गाड़ी भगाने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम, ध्यान से गाड़ी चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज गाड़ी की स्पीड कम करो। नूपुर के कहने के बाद भी नीलेश ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। तभी अचानक एक औरत उसकी गाड़ी के सामने आ गई, ओवर स्पीड होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और उस औरत की गाड़ी से टक्कर हो गई। नीलेश ये क्या किया तुमने, मैंने कहा था ना स्पीड कम कर लो, अगर उस औरत को कुछ भी हो गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, जल्दी उतरो गाड़ी से और देखो क्या हुआ है उसे। उस औरत को देखने के लिए वो दोनों गाड़ी से उतरे, लेकिन अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। कहाँ गई वो औरत, अभी तो हमारी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था, अचानक कहाँ चली गई वो? गाड़ी में बैठो तुम, और देर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। गाड़ी में बैठकर नीलेश ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। डर के मारे अब उन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। नीलेश का पुराना घर उस जगह से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। आधी रात को सुनसान सड़क पर गाड़ी खराब हो जाने के बाद उसके पास अपने पुराने घर में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह नूपुर को लेकर पैदल ही अपने पुराने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचने के बाद वो दोनों बिना कुछ खाए पिए ही आराम करने बेडरूम में चले गए। अभी उन दोनों की आंख लगी ही थी कि नीलेश को अचानक कुछ बेचैनी से महसूस हुई। उसे लगा मानो कोई एकटक नजर गड़ाए बड़ी देर से उसे घूर रहा है। उसे अपने आसपास एक अजीब सा एहसास होने लगा। तभी एक दबी आवाज उसके कानों में पड़ी। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर यहाँ आओगे, अब तुम यहाँ आ गए हो ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उस आवाज के कानों में पड़ते ही नीलेश की आंखें खुल गई, उसका पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग रहा था। उसने हिम्मत करते हुए उठकर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो पूरा घर बिल्कुल खाली था। वो चैन की सांस भरते हुए जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा तभी उसे पीछे से किसी के पायलों की झंकार सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक साया उसके पीछे से भागता हुआ उस दरवाजे के आर पार हो गया। रात के 3 बजे अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देखकर नीलेश के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाकर नूपुर को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी
कि उस पर नीलेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर नीलेश सोने के लिए वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। सोने के लिए उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि उसे फिर से पायल की वही झंकार सुनाई दी। उसे ऐसा लगा मानो उसके शरीर के मांस को बुरी तरह नोच रहा हो। उसे अपने शरीर में ऐसा दर्द होने लगा मानो एक साथ उसके शरीर को हजारों कीड़े काट रहे हों। एक हद तक बर्दाश्त करने के बाद नीलेश की सहन शक्ति अब जवाब दे गई थी। वो जोर से चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने सामने घड़ी में देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। नूपुर भी उसके बगल में नहीं थी। वो उठकर नूपुर को पूरे घर में ढूंढने लगा। तभी उसे किचन से नूपुर के गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। लेकिन उस आवाज को सुनकर नीलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलेश ने घबराते हुए उससे कहा, यह गाना कब सुना तुमने? आज से पहले तो कभी तुम्हें यह गाना गुनगुनाते हुए नहीं सुना मैंने। नीलेश की यह बात सुनकर नूपुर ने अचानक गाना गाना बंद कर दिया और बिना कुछ कहे अपने चेहरे को नीलेश की ओर घुमाया। उसके पूरे चेहरे पर नोचने खरोचने के निशान थे। वो नीलेश को देखकर बड़े ही भयानक तरह से हंसने लगी। उसके दांतों पर लगे खून और फंसे हुए मांस को देखकर नीलेश का दिल दहल उठा। नूपुर फल सब्जियां खाने वाली एक शाकाहारी लड़की थी। उसने अपनी जिंदगी में मांस को कभी छुआ भी नहीं था। उसे इस हालत में देखकर नीलेश कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उसने कहा, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? बोलो मेरी जान। मैं जानता हूँ ये तुम ही हो, लेकिन नूपुर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसके शरीर को। इसे तो मैं छोड़ ही दूंगी, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी। जो तूने मेरे साथ किया उस सब का बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगी। आज से 2 साल पहले नीलेश ने पुणे में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। पुणे में नीलेश के माता पिता का पुराना घर था, इसलिए अपने बिजनेस के चलते नीलेश अपने माँ बाप से अलग पुणे वाले घर में शिफ्ट हो गया। ऑफिस में उसकी कामनी नाम की सेक्रेटरी थी, देखने में बहुत खूबसूरत। ऑफिस का हर लड़का उस पर अपनी जान छिड़कता था, लेकिन वह मन ही मन नीलेश को चाहने लगी। एक दिन न्यू ईयर पार्टी के दौरान मौका पाकर उसने नीलेश को अपने दिल की बात बता दी। नीलेश ने भी उससे कहा कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन डर के मारे कभी उसे ये बता नहीं पाया। नीलेश की बातें सुनकर वो बेहद खुश हो गई। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद नीलेश का बर्ताव अचानक बदल गया। उसने शराब पीकर कामनी को मारना पीटना शुरू कर दिया और पैसों की लालच में आकर वो कामनी का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए करने लगा। मैं अब और ये सब नहीं झेल सकती, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरे उन क्लाइंट्स को खुश करके मुझे बिजनेस डील्स कौन दिलवाएगा? और अगर भूल कर भी मेरे पीछे यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी अनगिनत वीडियोज है मेरे पास। बस 1 मिनट लगेगा मुझे सबके सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में। नीलेश की धमकियां सुनकर कामिनी वहां से भागने की हिम्मत नहीं कर पाई। इतने समय से जो भी उसके साथ घटा उसके बाद वो अंदर ही अंदर खत्म हो चुकी थी। ना तो वो अपने माँ बाप के पास अपने घर जा सकती थी और ना ऐसी जिंदगी जी सकती थी। उसने बहुत बार सोचा कि वो पुलिस के पास जाकर नीलेश की सारी सच्चाई बता दे, लेकिन अपनी बदनामी के डर से उसे अपनी जान लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया और उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस तक बात ना पहुंचे इसलिए नीलेश ने उसकी डेड बॉडी को उतार कर कुछ लोगों को पैसे देकर उसे कब्रिस्तान में दफन करवा दिया, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तुझे क्या लगा तू मेरे शरीर को दफन करवा देगा तो तू बच जाएगा? मैं तो इसी इंतजार में थी कि कब तू यहाँ आए और कब मैं तुझे अपने हाथों से मार सकूं। तूने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया, नरक में जीने को मजबूर कर दिया, अपने हाथों से अपनी जान लेने को मजबूर कर दिया। माफ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जाने दो मुझे। तुझे तो मैं क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। तुझे मार के मैं तो अपना बदला पूरा करके मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन तुझे अपने इस जन्म से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए तरसता रहेगा तू। इतना कहकर उसने अपने हाथों में एक कुल्हाड़ी लेकर। हेलो दोस्तों,
यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।